और मेरा मानना यह है कि मुसलमानों में इत्तेहाद अगर होगा तो सिर्फ और सिर्फ अहले बैत की मोहब्बत पर हो सकता है, और इख्तलाफ इख्तलाफात अकीदे पर मसलक पर हो सकते हैं, मगर अहले बैत की मोहब्बत पर इख्तलाफ नहीं हो सकता। तो इसी मौजू पर, इसी चीज़ पर हम तमाम को अपने आप को जुड़ना है। और मेरी ये खुशकिस्मती रही कि आज से चंद महीने पहले मुझे नजफ और करबला जाने का भी मौका मिला, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं जब शेर खुदा की बारगाह में पहुंचा तो वो जो कैफियत मुझ पर तारी हुई थी मैं उसको बयान नहीं कर सकता। उसके बाद फिर हमको हमारे दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट के दोस्त है, वकील है निज़ाम पाशा के साथ हम करबला गए। वहाँ पर जब पहुँचे तो वहाँ का एक और ही मंज़र था। बहरहाल अज़ीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, ये जो दीन हमको मिला है, हज़रत अली की मेहनत, हज़रत अली की क़ुरबानी, उनकी शहादत, इमाम हुसैन की शहादत, अहले बैत की शहादत से दीन हमको मिला है। और इस दीन के लिए हमको ज़रूरत पड़ी तो हम माजी में भी हमने अपना सब कुछ कुर्बान किया इस दीन की अज़मत के लिए, और इंशाअल्लाह ताला मुस्तकबिल में भी अगर कोई हमारे इत्तेहाद को चैलेंज करेगा तो हम अली के नाम लेवा हैं, अहले बैत के मानने वाले हैं, हम अपने इत्तेहाद को मजबूत रखेंगे।